हेलो भैया, मैं हूँ आकाश पवार और मेरे साथ में है अभय यादव जो कि ठंड से एकदम कुकड़ा पड़ा है क्योंकि अभी बाइक से आया है बंदा। तो अभय जी, वो काफ़ी ठंड लग रही लगती है आपको? तो साहब दिमाग खराब हो गया। ऐसी ठंड तो हिमालय में रहती है जैसी ठंड आपको यहाँ पे लग रही है। जरा अपना सोना सा मुखड़ा तो दिखाइए, छुपा रहे हो सोने से मुखड़े को। देखो जूते वूते पहन के बंदा एकदम सेट है। तो अभी भाइयों, ये ब्लॉग बनाने का ये है कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ हम अपना पूरा रूम सेट करने वाले हैं यहाँ पे। इसको 1R के बोला जाता है, जिसमें 1 रूम किचन वॉशरूम तो होते हैं। हाँ, मतलब एक ही उसमें पूरा सारी चीज़ें होती है। तो हमारा तो अभी एकदम सिंपल सा है। अगर मैं आपको बाहर दिखाऊँ ना, तो अड़ोसी पड़ोसियों के, मतलब मैं उनके घर में तो घुस के नहीं दिखाऊंगा आपको, और अड़ोसी पड़ोसियों के यहाँ पे बहुत सही बना रखे भाई लोगों ने। मतलब डबल बेड डाल रखा है अच्छा खासा, और मतलब पूरा एकदम डोर वगैरह चेंज करा रखे, क्योंकि इनमें ऐसा होता है कि आप खुद से भी इनमें कस्टमाइजेशन करा सकते हो व्हेन यू विल परचेज इट। ओके, तो ये होता है। अभी यहाँ पे कुंडी नहीं है, अभी हमने मेंटेनेंस वालों को बोला है कि भाई आ जाओ यहाँ पे और कुंडी वगैरह सारी चीज़ें सेट कर दो। तो भाई अब है ठंड बंड आराम फरमाने का बहुत टाइम मिलेगा भाई आपको। थोड़ा तो रुक जा। अरे रुक क्या जाओ, पीछे मस्त बैठ के आया, दो दो जैकेट पहन के। मैं पतली सी जैकेट कहाँ है इसमें, ये घर में पहनने वाली है। तो भाई जब आपने परचेज की थी, जब आपको सोचना चाहिए था ना कि मैं इसको परचेज ना करके घर में हैवी नहीं पहन सकते ना यार। हाँ, तो अभी मैं देखो, अभी तो हमारे पास में सिंगल फोल्डिंग है, मैं इसको घर से उठा लाया था, है अभी तो ये सिंगल है। अभी देखते हैं अगर इस पे एडजस्ट हुआ ठीक है, नहीं तो फिर एक और खरीद लेंगे, फिर डबल एक और खरीदना पड़ेगा भाई। इस पे नहीं आ जाएगा, ये तो बहुत छोटी है यार। और अब फिर कंबल भी दो अलग अलग कंबल हो गए, तो कंबल आएंगे या तो फिर हम ही लोग आएंगे। इस पे एक अलग से फोल्डिंग भी खरीदनी पड़ेगी, उसका एक अलग से ब्लॉग बनाएंगे। ओके, कंटेंट ही कंटेंट होगा गाइस। न्यू होम न्यू एडवेंचर लेकर आया है हमारे लिए। तो चलो अभी मैं मतलब नेसेसरी जो जो चीज़ें होती है, और बाकी पता नहीं कुछ भूल गया हूँ मैं क्या, तो अभी जो जो चीज़ें नेसेसरी होती है वो सब मैं लेकर आ गया हूँ। चलो तो स्टार्ट करते हैं। अभी सबसे पहले भाई यहाँ पे मैं एक अलमारी बनाने वाला हूँ। अलमारी बनाने के लिए मेरे पास में चाहिए तो पाल बूट हाउस है, जूतों से नहीं। यहाँ पे अगर आपने देखा हो या नहीं देखा होगा, तो हम यहाँ पे अलमारी बनाने वाले हैं अभी। तो ये दीवार सही रहेगी ना, इधर बना लेते हैं ना, सामने वाले पे बनाएंगे, सामने वाले पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत स्पेस है। इधर की साइड बना देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे अलमारी बनाने वाले हैं इनसे, ये डंडों से और ये कपड़े। और अभी आप देखिएगा कितना रिलायबल होता है, कैसा सही होता है या नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि अगर आप ऐसे बैचलर हैं तो और परमानेंट वाला नहीं खरीदना चाहते और इधर से उधर सामान शिफ्ट कर रहे होते हैं, तो आपके लिए बेस्ट अलमारी होने वाली है। तो इसको बनाते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कैसे ये तैयार होगी। सबसे पहले उसी को करेंगे काम। हाँ सर, यह लगेगा इसमें। तो भाई सबसे पहले हम लोगों ने ये जॉइंट्स जो होते हैं ये निकाल लिए, और हमने मैंने अभय को समझा दिया है कि चेसी इस तरीके से बनती है इसकी। तो अभी चेसी तो यहाँ पे हम बना लेते हैं पहले, सबसे पहले, क्योंकि इसमें ये होते हैं सरिया से, ये इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। तो ये देखो ऐसे इनको जॉइंट कर देते हैं, इसे ज्वाइन करके सबसे पहले इनकी चेसी बना दे भाई, फिर एक आइडिया लग जाएगा किस तरीके से। क्योंकि मेरी मेरे पास ही थी ये, मैं ना कुंडली में जब पहले जॉब करता था तो मैंने जब वहाँ पे ली थी ये, तो उस टाइम फिर मैं इसको उखाड़ के ले आया जब वहाँ पे कोरोना लग गया और मैं घर पे भाग आया था कोरोना से, फिर मैं इसको ले आया। मैंने डोर खोल देता हूँ, थोड़ा उजाला आ जाएगा, काफ़ी अंधेरा सा नहीं है रूम में वैसे तो, बट स्टिल। चलो ब्रो, हाँ हो गया, अभी उनको और जोड़ दे। चल अभी भाई हम लोगों ने बनाई, अब इसको फिर से यहाँ पे खोलना पड़ रहा है, क्योंकि अभी मैंने पुराने फोटोज़ देखे हैं जिनमें बनी हुई थी, मैं तो दिमाग से स्लिप हो गया था, 2-2.5 साल हो गए कि किस तरीके से थी ये। अब यहाँ पे फिर से इसको निकाल के अब दोबारा से करना पड़ रहा है यार। अब ये पूरा खोल के यहाँ से ये इस टाइप की बनेगी, ये पोर्शन खाली, ये पोर्शन खाली, और बीच में 3 अलमारी टाइप का। अब देखो फिर से डबल डबल मेहनत हो गई यार। तो देखो भाई अपना फ्रेम तैयार हो गया है, तो कुछ इस टाइप की अभी आधी बची है। अरे ये ना टूटे पड़े हैं शायद पैर के नीचे आके। तो देखो ये ऐसा इसका फ्रेम बन गया है, अब बस इसको कपड़े पहनाने और रहते हैं। बॉडी तो पूरी तैयार हो चुकी है अब इसकी। तो चलो भाई इसका कपड़ा और ये रखा ना बड़ा सा, उठाते हैं इसका झोला और पहना देते हैं अब इसको कपड़े। बहुत देर बेचारी नंगे रह गया, ये ठंड लग जाएगी इसको भी, चल जल्दी कर। ये देखो भाई अपनी अलमारी एकदम डन हो गई है पूरी,
और इसका जो डब्बा था वो हमने सरका दिया। अब इसके नीचे चार वो बच गए थे जो जॉइंट वाले होते हैं ना, चार बच गए। और देखो ये कितनी परफेक्टली बनी है, खोलियो भाई इसको, मतलब लगती तो मस्त है यार ये। अगर आप बेच ले रहे हैं और नॉर्मल लाइफ का सामान, इसमें मतलब ज़्यादा भारी सामान तो आता नहीं है, क्योंकि ये देखो हल्का है ये कपड़ा ना, काफ़ी हल्का कपड़ा है, लो क्वालिटी का है। लो क्वालिटी तो फिर भाई हाई क्वालिटी में तो लकड़ी वकड़ी की अलमारी वही सब मिल सकता है। वाओ नाइस ब्यूटीफुल। चलो अपना कपड़े वपड़े तो रखी जाएंगे इसके अंदर, हाँ, वो तो गिरेंगे ना नॉर्मल यूसेज के लिए, तो सही है बिल्कुल एकदम परफेक्ट। तो ये देखो भाई यहाँ पे अपना कंबल वंबल रख दिया इधर तय करके सही ढंग से, मतलब थोड़ा टाइम तो लगता है यार सेटल वगैरह होने में ना, सामान को जमाने उमाने में। जैसे अभी हम लोग चले गए थे अभी की बाइक की डिलीवरी लेने के लिए, उसमें चले गए, पूरा दिन उसमें निकल गया 4-5 घंटे। और आज कल दिन होता ही कितना सा यार, 6:13 हो रहे हैं और बाहर जाके देखो इतना गुपा गुप अंधेरा, जैसे मानो रात के 10 बज रहे हैं। अगर दिन लंबा होना जैसे गर्मियों में होता 6 बजे तो एकदम दिन निकल रहा था, और भी बहुत सारे काम कर सकते थे, जैसे गैस वैस का पाइप वाइप खरीदना है हमसे, वो सारी चीज़ें, अब क्या करें यार। अरे हाँ ये आप देख रहे होंगे, अबे मेरे से कह रहा है तो दिखा क्या रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, वो तो दिखा। तो भाई वो आप कैमरे में पूछ लो कोई बात नहीं, अबे ये कर रहा है बेड पे, इसके पैरों को भाग रहा है बेड के। भाई ये बेड आपका भाग जाता है क्या भाई? भाई ऐसा ही है, सोए सोए गिर जाते हैं इसमें से। अच्छा ये भाग जाता है आपके बेड से, इसके पैरों को बांधना पड़ रहा है भाई। तो इसका मेन रीजन ये है, ये ना आवाज करता है, मतलब हिलता है इधर उधर हिलता है इसके। नहीं, ये आवाज नहीं करता, ये रखे रखे ये कभी मान ले सो रहा है तो झटके ऐसे हो जाता है, और नी पैरों की तरफ से गिर जाता है, सर की तरफ से गिर जाता है, ये कारण है इसका। आवाज तो कहीं बांध देने से भी आवाज थोड़ी ना रुक जाएगी। अरे ब्रो मेरे कहने का मतलब है कि ये जो इसके वाले पैर है ना, ये इधर वाले इधर वाले, तो ये इधर उधर नहीं होते, अभी भी हो रहे। तो वो तू टाइट करना, ये देखो कितना तो लूज है ये, देखना मैंने ये पहले डबल डबल करके बांध रखे थे घर पे, और एकदम इसने लूज कर रखे हैं, ये तो होगा ही, ये डबल करो इसको बढ़िया तरह से, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करो तभी तो कुछ होगा। तो हमारा विजिट करने के लिए भी लोग आने लगे हैं। नवीन जो है वो एक बिल्डिंग पे चला गया, और फिर आपने बताया अरे बिल्डिंग के पीछे एक झोपड़ी है। मुझे लगा सर मैं गलत बता रहा हूँ। नवीन बिल्डिंग में पहुंच के अरे ये इतना रिच कम से हो गया सर, फ्लैट में रहने लगा। फिर नवीन ने सोचा अरे यार वो कोई झोपड़ी वोपड़ी। तो नवीन आपको कैसा लगा हमारा सुंदर सा मकान? सेक्सी है ना, मतलब रहने लायक है ना, बहुत प्यारा, बहुत ज्यादा प्यारा है ना, बहुत ज्यादा। तो आपका रिव्यू हमारी अलमीरा के लिए क्या रहेगा? अभी सेटलमेंट कर रहे काफी हंस रहे हो, दांत तोड़ने पड़ेंगे आपके। तो देखो भाई हम अपना सेटल हो गए हैं अपने रूम में, मतलब अब हम एकदम कंफर्ट जोन में आ गए हैं हर चीज से। जैसे कि यहाँ पे अपना ये अलमारी भी सेट है, ये अपना बेड, और बेडशीट थोड़ा गंदी हो गई थी तो वो धो दी है, और यहाँ पे डब्बा जो मैंने अंदर सरकाया था इसको बाहर निकाल लिया, इस पे लैपटॉप वगैरह बैग रख देते हैं, और यहाँ पे हमारा खाना रेडी है जिसमें आज बनी है एग करी, और ये आ गया पानी और रोटी और चावल जो कि हम दोनों ने मिलके बनाया है। मैं आपको दिखाता हूँ हमारी किचन का हाल, तो इस टाइप की कुछ हमारी किचन है जहाँ पे ये सिंक में बर्तन वर्तन भी हैं, और एग करी भी है, तो यहाँ पे राइस भी है, और ये मसालदानी भी है जिसमें सारे के सारे मसाले हैं, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है हमारी रसोईया में, और हमारे शेफ सर भी हैं यहाँ पे। तो शेफ सर आपको कैसा लगता है खाना बना के? काफ़ी खुशी होती होगी आपको अंदर से, है ना? बहुत बहुत खुशी होती है। चलिए बहुत खुशी आपको हम देते रहेंगे ऐसी खुशी रोज। और ये सारा सामान हमें पड़ा हुआ है, ब्रेड वगैरह है ये सब, तो मतलब इतना इस स्लैब पे ना जगह नहीं है यार रखने की ना, ये काफ़ी छोटी स्लैब है, और थोड़ा सा इसको बड़ा करना चाहिए था, उधर भी थोड़ा बना देते। और एक मेरे को सबसे बेकार चीज़ यहाँ पे ये लगती है, ये बेड है, ये दीवार है, ये दीवार है, कहीं भी एक सॉकेट नहीं दे रखा, एक सिंगल सॉकेट पूरे रूम में कहाँ दे रखा है? यहाँ देखो, यहाँ दो ये सॉकेट दे रखे, एक बार वो एग्जॉस्ट का दे रखा है, और एक इधर ये दे रखा है। भाई क्या सेंस है ये, है मतलब नॉन सेंस। चलो भाई ये वीडियो देने आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू सो मच।